महावीर बलवान, रघुबर के प्यारे हनुमान, दुष्टों का करते हो अंत, भक्तों के संकट हर लेते, जीवन मंगलमय कर देते, बल बुद्धि विद्या के निदान, बजरंग को जब भूख सताए, सूर्य को दांतों तले दबाए, समझे आप कोई फल है लाल, अंधकार ने डाला डेरा, तीनों लोक में छाया अंधेरा, देव तदनुज मनुज घबराए, सूर्य को जब पकड़े हनुमान, राहु भागा बचा कर जान, इंद्र से सारी बात बताए, देवराज को गुस्सा आया, इंद्र ने मारा वज्र चला के, कपि मूर्छित हो गिरे धरा पे, सूर्य को मुख से बाहर लाए, इंद्र बजरंगी का हुआ बुरा हाल, पवन देव पहुँचे तत्काल, पुत्र का देखे जब बुरा हाल, माता अंजनी दौड़ी आई, घायल पुत्र को गोद उठाई, रो रो कर कर ली बुरा हाल, रुकी हवा सभी जन घबराए, सांस कोई भी ले ना पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को लाए, सभी देव संग इंद्र भी आए, सभी पवन को लगे मनाने, पवन किसी की एक न माने, बोले पुत्र को किसने मारा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहुं सुर भूप, इसको अगर होश ना आए, सृष्टि में कोई बच ना पाए, हनुमत पे ब्रह्मा रखे हाथ, हनुमान जी होश में आए, सभी देवता फूल बरसाए, पवन देव जी माने कहना, हनुमत को मिली शिव से शक्ति, विष्णु दे दिए अपनी भक्ति, अस्त्र शस्त्र कोई करे न काम, सारी बात बताया, बालक पे मैंने वज्र चलाया, हनुमे वज्र किया संधान, इनका नाम रहेगा हनुमान, महावीर हुए अति बलवान, बजरंगी हो गए हनुमान, देव अनेको दिए वरदान, सबके समस्या का समाधान, संकट मोचन है हनुमान, जो भी इनका धरते ध्यान, ऋषि मुख पर्वत पर कपियाए, जहाँ पे वे सुग्रीव को पाए, दुष्ट बाली के डर के मारे, बाली भंग किया ऋषि का जाप, ऋषि ने उसको दिया था शाप, जिस दिन ऋषि मुख पर तू आए, तेरी मृत्यु कोई रोक न पाए, ऋषिवर का शापित स्थान, जहाँ न जाए बाली बलवान, बल बुद्धि विद्या के निधान, काटे न कटते दिन और रैन, सीता बिन थे राम बेचैन, ऋषि मुख के जब सन्मुख आए, दूर से देख सुग्रीव घबराए, संकट मोचन मेरे प्रभु, संत करे गुणगान, भक्तों की रक्षा करते महावीर हनुमान, सुग्रीव
शिव कहे सुनो हनुमान, दो युवक दिख रहे अनजान। हनुमत जाकर पता लगाए, माली ने तो नहीं भिजवाए। अगर दुश्मन हो तो करना इशारा, यहाँ से हम कर लेंगे किनारा। दूर जाके कहीं छिप जाएंगे, अपने प्राण बचा पाएंगे। धरे ब्राह्मण का वेश हनुमान, पहुँचे जहाँ थे कृपा निधान। प्रभु की शरण में शीश झुकाए, पूछे आप यहाँ कैसे आए। श्री राम परिचय बतलाए, सीता हरण की घटना सुनाए। चरण पकड़ बोले हनुमान, राम जी से बोले हनुमान, चरणों में दे दो स्थान। धन्य हो जाएगा ये दास, हनुमान की देख के भक्ति। राम प्रभु दिए अनुपम शक्ति, राम लखन को कांधे बिठाए। सुग्रीव को भगवान से मिलाए, दोनों में मित्रता कराए। सुग्रीव अपना हाल सुनाया, राम प्रभु ने गले लगाया। सुग्रीव हित बाली को मारे, सुग्रीव को कष्टों से उबारे। किष्किंधा का नरेश बनाए, सीता माता की सुधिलाने। हनुमान चले पता लगाने, आ गए सभी समंदर पास। देख हो गए निराश, देख समंदर दहल गया दिल। चौड़ाई थी 800 मील, विकट समस्या आन खड़ी थी। पवन पुत्र अंजनी दुलारे, रघुबर के प्रिय दास। भूत प्रेत बाधा हरे, करे दुखों का नाश। बालापन के रहस्य को खोले, जामवंत हनुमान से बोले। पवन तनय बल पवन समाना, बन के दूत श्री राम का जाओ। सीता माँ का पता लगाओ, जब तैयारी किए हनुमान। दे अंगूठी बोले भगवान, मेरी बात सुनो हनुमान। सीता को अंगूठी ये दिखाना, सीता तुम्हें लेगी पहचान। सीता में है मेरी जान, सीता से कहना मेरा हाल। बिना मैं हूँ बेहाल, मैं जल्दी लंका आऊंगा, उनको वापस ले आऊंगा। रावण ना बचने पाएगा, राम से आज्ञा पाए। भीषण गर्जन कपी लगाए, हनुमत बोले जय श्री राम। उड़ते जा रहे कपी लगातार, गर्जन करते बारंबार। देवताओं ने किया विचार, निशिचरों से घिरी लंका सारी, जिसमें था रावण दुराचारी। कैसे निपटेंगे ये अकेले, इनकी जरा परीक्षा ले ले। सभी देव सुरसा को बुलाए, जो नागों की माता कहाए। बोले हम लोगों की है इच्छा, सुरसा राक्षसी रूप बनाई। हनुमान के सामने आई, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आज सुरन मोहितीन आहारा, अजर अमर है आप सदा, महावीर बलवान। कलयुग में भी भक्तों का आप करे कल्याण। तुम
तुमको खाकर भूख मिटाऊं, सामने आ आहार बनाऊं, राम कार्य कर जब मैं आऊं। सुरसा बोली तुम्हें खाऊंगी, छोड़ूंगी तो पछताऊंगी, चलेगा ना तेरा कोई बहाना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, का सुदगुन कपि रूप दिखावा, सौ योजन सुरसा मुख की ना। मुख प्रवेश कर बाहर आए, सुरसा की शरण में शीश झुकाए, बोली सुरसा थी देवों की इच्छा, बल बुद्धि विद्या के हो भंडार, तुमसे कोई पाए न पार, यहाँ से अब तुम हनुमत जाओ। बहती शीतल मंद बयार, कपि कर गए समंदर पार, कपि लंका में किए प्रवेश, मच्छर का प्रभु रूप बनाए, स्वर्ण महल के द्वार पे आए, जैसे ही अंदर गए हनुमान, लंकिनी बोली बता है कौन, चुपचाप क्यों खड़े हो मौन, नर बानर मोर नित्य आहारा। तब बजरंगी किए प्रहार, सहना पाई लंकिनी वार, खून से लथपथ हुई बेहोश, लाल लंगोटा लाल ध्वजा मांजनी के लाल, लाल सिंदूर तन पे सोहे, लाल तिलक लिए बाल, बोली तुमको गई पहचान, राम दूत हो तुम हनुमान, वीर कपि से लंकिनी बोली, ब्रह्मा मुझको ये बात बताए, यदि वानर तुझे मार गिराए, लंका नगरी बच नहीं पाए, रावण का सर्वनाश हो जाए। सिया की खोज में लगे हनुमान, घोर अंधेरा महल सुनसान, राम नाम जप पड़ा सुनाई, जय निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, कौन है जो जपता है राम, विभीषण की कुटिया में आए, जहाँ राम का नाम सुनाए, विभीषण को गले लगाए, अशोक वाटिका में कपि आए, दुख में सीता माँ को पाए, राम राम वो रटती जाए, देख विकल भयो वीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, धीरे से मुद्रिका गिराए, राम की सारी कथा सुनाए, सीता को विश्वास दिलाए, शीघ्र ही राम प्रभु आएंगे, आपको अयोध्या ले जाएंगे। सीता माँ ने दिया वरदान, अजर अमर हो वीर बलवान, सीता माँ से पावरदान, अशोक वाटिका पल में उजाड़े, अक्षय कुमार को कपि संहारे, मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाया, बांध कपि को महल मिलाया, संतों की रक्षा करे, दुष्टों का संहार, सदा ही मंगलमय करते, प्रिय है मंगलवार, बीस भुजा दस शीश करामन, अति भयानक रूप डरावन, फिर भी नहीं डरे हनुमान, असुर मात खड़ सीना,
बोला क्यों अक्षय को मारा, अशोक वाटिका को क्यों जाड़ा, बानर तुम लगते हो दंड, चुपचाप क्यों खड़े हो मौन, बोल दे बंदर है तू कौन, राम प्रभु मेरे दिल में रहते, हनुमान मुझको सभी कहते, श्री राम का मैं हूँ दूत, मांजनी पिता पवन का सूत, भूख लगी सो फल मैं खाया, तू है पापी अत्याचारी, हरण किया प्रभु राम की नारी, आदर सहित सिया पहुँचाओ, प्रभु राम की शरण में जाओ, रावण हनुमत पे गुस्साया, मारने का आदेश सुनाया, तभी विभीषण सभा में आए, बोले विभीषण सुन लो भ्राता, आप है सभी नीतियों के ज्ञाता, प्राण दूत का आप न लीजिए, बात विभीषण का मन भाया, रावण ने आदेश सुनाया, इसकी पूछ में आग लगाओ, अति बृहद कपि रूप बनाए, राक्षस पूछ में आग लगाए, हाहाकार किए नर नारी, उलट पलट लंका कर डारे, लंका में कपि बजाए डंका, धू धू कर जलने लगी लंका, वापस अशोक वाटिका आए, भक्तों के ग्रह दोष भी दूर करे हनुमान, शनि देव पीछा छोड़े जो जप जय हनुमान, सीता से बोले हनुमान, मुद्रिका प्रभु ने किया प्रदान, आप भी मुझको दो पहचान, सालासर के श्री हनुमान, भक्तों का करते कल्याण, सेवक जन को विजय दिलाते, भक्तों के बिगड़े भाग्य बनाते, प्राण रक्षा भक्तों की करते, भक्त जनों के संकट हरते, जो भी इनको भोग लगाते, मेहंदीपुर के प्यारे बाला, खोल देते किस्मत का ताला, सभी दुखों को दूर भगाए, भूत प्रेत की बाधा हरते, हर बांझन की गोद को भरते, बालाजी का ध्यान जो धरते, अमर है कलयुग में हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, मंगलवार का व्रत जो करते, जो भी सुने यह अमृत धारा, सोनर उतर जाए भव पारा, 21 दिन जो ध्यान लगाए, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। नाम सुना दे
संकट हाँ सब संकट तूने डाला, तेरी जय हो अंजनी लाला। तेरी जगतारे रखवाला, तेरी जय हो अंजनी लाला। जय 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 हनुमान, तू ही है बाल ब्रह्मचारी, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। का जन्म वीर ने पाया है, जन्म वीर ने पाया है। लाल लंगोटा गदा हाथ में, सिर पर मुकुट सजाया है, सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। का बल भी तुमने पाया है, बल भी तुमने पाया है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है, बल भी तुमने पाया है। राम काज करने को शंकर वानर रूप में आया है, वानर रूप में आया है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार।
दम ध्यान लगाया है, हर दम ध्यान लगाया है। शाप दिया ऋषियों ने तुमको, बल का ध्यान भुलाया है, बल का ध्यान भुलाया है। राम नाम आधार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। कैसा नाच न जाया है, कैसा नाच न जाया है। कहा राम ने लक्ष्मण से, यह वानर मन को भाया है, वानर मन को भाया है। राम चरण से प्यार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। को रावण लेकर आया है, रावण लेकर आया है। पंचवटी से सीता माँ को रावण लेकर आया है, रावण लेकर आया है। लंका में जाकर तुमने माता का पता लगाया है, सीता का पता लगाया है। अक्षय को दिया मार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। में तुमको आन फसाया है, तुमको आन फसाया है। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में तुमको आन फसाया है, तुमको आन फसाया है। ब्रह्मपाश में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है, ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। बजरंगी बाकी मार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ने रावण भी घबराया है, रावण भी घबराया है। लंका जलाई जब हनुमत ने, रावण भी घबराया है, रावण भी घबराया है। राम प्रभु को आकर के माँ का संदेश सुनाया है, माँ का संदेश
सीता शोक अपार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। लक्ष्मण को बूटी लेने धाए हैं, बूटी लेने धाए हैं। लाकर बूटी लक्ष्मण जी के तुमने प्राण बचाए हैं, तुमने प्राण बचाए हैं। राम लखन से प्यार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। राम और रावण की लड़ाई में राम की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि राम का भाई राम के साथ खड़ा था, और रावण की हार शायद इसीलिए हुई थी क्योंकि रावण का भाई रावण के खिलाफ खड़ा था। भाई जो होते तो हैं दुख दर्द बांटने के लिए, अफसोस आज सिर्फ संपत्ति बांट रहे हैं। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, उस वक्त अपने भाई के लिए प्रभु श्री राम किस तरह व्याकुल होते हैं और बूटी लाने के लिए अपने परम भक्त हनुमान से क्या कहते हैं, उस व्यथा को शब्दों में सुना रहा हूं। इसे सुनकर किसी एक इंसान ने भी भाई शब्द का सही मतलब समझा तो मैं रविराज अपना जीवन धन्य समझूंगा। जय श्री राम। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को निकल न जाए जान, शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को निकल न जाए जान। संजीवनी बूटी ले आओ संकट में है प्राण, तनिक ना देर लगाना ओ हनुमत जल्दी आना। लखन के प्राण बचाना ओ हनुमत जल्दी आना। सीता का गर्भाई को भी गवाऊंगा, हरण हुआ सीता का गर्भाई को भी गवाऊंगा। जाके अयोध्या वापस भला कौन सा मुँह दिखाऊंगा। मूर्छित लखन न जागा तो मैं, मूर्छित लखन न जागा तो मैं भी तज दूंगा प्राण। तनिक ना देर लगाना ओ हनुमत जल्दी आना। लखन के प्राण बचाना ओ हनुमत जल्दी आना।
रक्षित भाई, ये कष्ट सहा ना जाए। गोद में मूर्छित भाई, ये कष्ट सहा ना जाए। हर पल भैया कहने वाला कुछ भी बोल न पाए। वीर गति कहीं पाना जाए, वीर गति कहीं पाना जाए। सूर्यवंश की शान तनिक ना देर लगाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। हाय मन मेरा घबराए, भारी विपदाई, हाय मन मेरा घबराए। संकट मोचन सिवा तुम्हारे संकट कौन मिटाए। मुझको भी संकट से उबारो, मुझको भी संकट से उबारो। शीघ्र प्रस्थान तनिक ना देर लगाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना, लखन के प्राण बचाना, ओ हनुमत जल्दी आना। तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 14 वर्षों बाद राम की राज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल की मत पूछो, झूम रहा है मतवाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सभा में पहुंचे भर भर थाल सजा लाए।
लगा राम दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए ले उपहार सभा में पहुँचे भर भर थाल सजा लाए लंकापति ने भेंट में दी रत्न जड़ित सुंदर माला सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली माला दी हनुमत को सियाने इसको पहन मेरे लाला सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे खाली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे लंकापति मन में पछताया पड़ा है बंदर से पाला एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला लंकापति का धीरज टूटा क्रोध की भड़क उठी ज्वाला भरी सभा में बोल उठा क्या पागल हो अंजनी लाला लंकापति का धीरज टूटा क्रोध की भड़क उठी ज्वाला भरी सभा में बोल उठा क्या पागल हो अंजनी लाला माला को तोड़ा तुमने क्यों गाज का फल है समझ डाला एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला
लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। लंकापति से हनुमत बोले, मुझे है माला से क्या काम। मेरे काम की चीज वही है जिसमें बसते मेरे राम। राम नजर नहीं आए इसमें, यू बोला बजरंग बाला। जरा सी बात पे तूने सीना भाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना भाड़ दिखा डाला। हनुमत की बोल उठा लंका वाला, तेरे में क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाला। इतनी सी बात सुनी हनुमत की बोल उठा लंका वाला, तेरे में क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाला। फाड़ के सीना हनुमत ने सिया राम का दरस करा डाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत, उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। हनुमत के हृदय में देखी राम की वो प्यारी मूरत, उस घड़ी लंका के राजा की देखने लायक थी सूरत। भरी सभा में गूंज उठी जय हो अंजनी लाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। राम लगन देखी हनुमत की सभी देवता हर्षाए, राम के इतने प्यारे हो तुम भक्त शिरोमणि कहलाए। राम लगन देखी हनुमत की सभी देवता हर्षाए, राम के इतने प्यारे हो तुम भक्त शिरोमणि कहलाए। पुष्पों की वर्षा करते ब्रह्मा विष्णु डमरू वाला। एक जरा
सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला।
राम को ही बालाजी ने सब कुछ माना है, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है, माना है राम जी के चरणों में इनका ठिकाना है। ये तो राम धुनी है रमाए, ये तो राम धुनी है रमाए, बाला बजरंगी है बाला बजरंगी। राम नाम चंदन से खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है, खुद को रंगाया है। राम नाम सरिता में गोता लगाया है, राम नाम सरिता में गोता लगाया है। राम जपो तो खुश हो जाए, राम जपो तो खुश हो जाए, बाला बजरंगी है बाला बजरंगी। श्री राम की माला जपते, प्रभु राम की माला जपते, बाला बजरंगी है बाला बजरंगी। मंगल मूरति मारुति नंदन, जग का तू रखवाला, बल बुद्धि विद्या देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। बजरंग बली जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते, मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं। संकट हरते बजरंगी, मंगलवार को बजरंगी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं, मन मांगी पाते हैं मुरादे जो इनके दर आते हैं।
राम प्रभु के सेवक प्यारे राम भक्त कहलाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते, तीनों लोक चौदहों भुवन में गूंज तेरा जयकारा है। इस कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। संकट हरते बजरंगी, संकट मोचन बजरंगी। तीनों लोक चौदहों भुवन में गूंज तेरा जयकारा है। इस कलयुग में भक्त जनों का तू ही एक सहारा है। संकट में जब भक्त पुकारे तुम दौड़े आ जाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। शरण तुम्हारी आते। कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। संकट हरते बजरंगी, संकट मोचन बजरंगी। सिद्ध देव हो तुम कलयुग के जाने सकल जहान है, सबके रक्षक संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है। अंजन सुत के सरी नंदन सिया राम के मन को भाते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। राम भक्त बजरंग बली जो शरण तुम्हारी आते, करके दर्शन आपका भगवान सारी खुशियाँ पाते। जो शरण तुम्हारी आते। इस दुनिया में खोज लिया आसमान, भाई ना भरत सा मिला, भक्त ना हनुमत समान, भक्त ना हनुमत समान। प्रिय श्रोताओं, आज हनुमान जी का दिन है। आज हम आपको रामायण की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी छोटी सही पर शिक्षा से भरपूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला, उसी समय उनकी धर्म पत्नी माता सीता को रावण हर के ले गया। राम जी शोक में डूबे हुए थे कि कैसे लंका जाया जाए, आखिर कौन जाएगा सीता का पता लगाने। बहुत सोच विचार करने के बाद में भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ और जाके सीता का पता लगाओ। हनुमान जी क्षण मात्र भी देर किए बिना राम जी का नाम लेकर कैसे हवा में उड़ते गए, आइए सुनते हैं।
हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। राम काज करने को महाबली, राम काज करने को महाबली, बोल के जय श्री राम। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। पता लगाओ हनुमान, जाओ सिया का पता लगाओ। खोया बल याद आया, कपी ने गर्जन लाया, धरती अंबर लगे हिलने, समंदर भी थर्राया। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। प्रिय भक्तों, माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले। अब देवताओं ने ये सोचा, हनुमान जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं, चलिए इनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। इस काम के लिए देवताओं ने सुषा नामक राक्षसी को भेजा, मगर हनुमान बड़ी चतुराई से सुरशा को मात देकर आगे बढ़ चले और आगे उनको लंकिनी मिली, उसको अपने बल से मार गिराया और सीधे अशोक वाटिका जा पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। माता सीता को देखे वो सुंदर रूप निरेखे, देख के इधर उधर वो अंगूठी पास में फेंके, देख के इधर उधर वो अंगूठी पास में फेंके। देख सिया माँ को अंगूठी अपनी पहचान बताए, राम का दूत हूँ मैं नाम हनुमान बताए। हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। अशोक वाटिका पहुंच गए और उसी पेड़ पर जा बैठे जिसकी छाया में माता सीता बैठी थी। राम जी का नाम लेकर उन्होंने ऊपर से राम जी की दी हुई अंगूठी नीचे गिराई। उसको देखकर माता सीता समझ गई
कि ये जरूर कोई राम भक्त है जो मेरी तलाश में यहाँ आया हुआ है। वीर हनुमान राम नाम जपते हुए पेड़ से नीचे आए और माता सीता को प्रणाम करते हुए ये बताया कि मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और आश्वासन दिया कि माते आप चिंतित ना हो, भगवान श्री राम जल्द ही यहाँ आएंगे और अपने साथ आपको अयोध्या वापस लेकर जाएंगे। और इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में कुछ फल खाने लगे और साथ ही साथ पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगे। इस प्रकार वाटिका को उजड़ते हुए देखकर रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार वाटिका की रक्षा के लिए आया और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आगे क्या हुआ चलिए सुनते हैं। अशोक वाटिका उजाड़े वो अक्षय कुमार को मारे, बल का परिचय बतलाए कपि असुरों को संहारे। सन्मुख कपि को बांध के लाया, पिता रावण के सन्मुख कपि को बांध के लाया। क्रोधित रावण कपि से बोला, क्रोधित रावण कपि से बोला, हर लूंगा तेरे प्राण, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। मेघनाद गुस्से में जाते हैं और जाकर हनुमान जी को तुरंत बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाते हैं। जब हनुमान जी का सामना रावण से होता है तो वो तनिक भी नहीं घबराते और चेतावनी देते हैं कि माता सीता को आदर सहित भगवान श्री राम के पास लौटा दो और भगवान श्री राम से माफी मांग लो। जिसे सुनते ही रावण गुस्से से भड़क उठता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है। और पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने क्या किया ये तो पूरी दुनिया जानती है। आइए सुनते हैं। क्रोध में रावण आया, पूंछ में आग लगाया, कपि ने क्रोधित होकर लंका नगरी को जलाया। कपि ने क्रोधित होकर लंका नगरी को जलाया। मिल के सीता माता को निशानी संग में लाए, आके श्री राम प्रभु से सिया का हाल बताए। बजरंगी को गले से अपने लगा लिए प्रभु राम, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान, हवा में उड़ चले हनुमान। तो प्रिय श्रोताओं इसीलिए कहते हैं भगवान राम को पाना हो तो हनुमान जी की भक्ति भी साथ साथ करें। कहते हैं भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता श्री हनुमान के द्वार से होके जाता है और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं
हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं और साथ ही साथ राम कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहती है। जय जय श्री राम। जय भक्त शिरोमणि हनुमान। हनुमत के मन भाता है राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। छोटा वानर और शिव को मदारी बनाए थे, शिव को मदारी बनाए थे। महल अयोध्या आ गए दोनों, महल में अलख जगाए थे। शिव शंकर ने डमरू बजाया, हनुमत नाच दिखाए थे। छोटा वानर बन के हनुमत राम का दर्शन पाता है। भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। पार किया था तुमने, लंका नगरी धाए थे। लंका जला कर रावण की सीता की सुध तुम लाए थे, सीता की सुध तुम लाए थे। मेघनाद ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी मुरछाए थे। संजीवन लाकर तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। रामचंद्र के बिगड़े सारे बजरंग काज बनाता है, रामचंद्र के बिगड़े सारे बजरंग काज बनाता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। शत्रुघ्न नाचे अयोध्या सारी है, नाचे अयोध्या सारी है। विभीषण ने फिर बीच सभा में इनका मजाक उड़ाया है। अपना सेना चीर के राम
सिया का दर्श कराया है, इसीलिए तो सबसे बड़ा ये राम भक्त कहलाता है। राम की भक्ति राम की पूजा हनुमत के मन भाता है। श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, प्रभु राम की मुश्किल को, प्रभु राम की मुश्किल को हनुमान ने टाला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है। ये लांग गए जल्दी लंका में आए हैं, सोने की लंका को ये राख बनाए हैं, सीता की सुधी लाए, सीता की सुधी लाए, श्री हनुमत वाला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है। लक्ष्मण को लगी शक्ति गिर भूमि मुरझाए, संजीवन वाला तू पर्वत ही उठा लाए, लक्ष्मण के प्राणों के, लक्ष्मण के प्राणों के संकट को टाला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है, श्री राम जी का हनुमान देखो भक्त निराला है। अहि रावण जब प्रभु को पाताल में ले आया, अहि रावण जब प्रभु को पाताल में ले आया, तुम पहुंच गए पाताल और राक्षस मरवाया, चंदन स्वामी का हर, चंदन स्वामी का हर, देख
को काज संभाला है श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला है। प्रभु राम की मुश्किल को, प्रभु राम की मुश्किल को हनुमान ने टाला है श्री राम जी का हनुमान, देखो भक्त निराला।